गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज फॉर मोर देन वन सेल्स, जबकि फर्स्ट लॉ सिंगल सेल के लिए था, सेकंड लॉ मोर देन वन सेल है। मैंने यहाँ पर दो सेल्स कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं विच आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। इट मे बी टू थ्री एंड मोर सेल्स विच आर कनेक्टेड विच मे बी कनेक्टेड इन द सीरीज। अब यहाँ पर दो सेल्स हैं। पहला सेल है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब ये इलेक्ट्रोड एक्टिव है, और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। इट मीन्स दीज इलेक्ट्रोड्स आर फर्दर एक्टिव। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रोड्स मे बी ऑफ प्लेटिनम और इलेक्ट्रोड्स मे बी ऑफ पर्टिक्युलर एक्टिव मेटल। अगर प्लेटिनम के, इट मीन्स दे आर इनएक्टिव, दे विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड पर्टिकुलर मेटल के हैं, एक्टिव मेटल के हैं, तब वे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एंड वी नो मेटल नेचर इज व्हाट, मेटल नेचर इज टू ऑक्सीडाइज। इट मींस कि जो एनोड होगा, मेटल एनोड होगा, उसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। लेट्स स्टार्ट कि सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है। यहां पर दो सेल जिन्हें एक सीरीज में कनेक्ट किया है, और अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करती हूँ, इट मींस आई वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड टी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। इट मींस दैट दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास्ड फ्रॉम द बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर सेम टाइम। इट मीन्स टू पैरामीटर्स I एंड T, इट रिमेन कॉन्स्टेंट मीन्स सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द सेम टाइम विल बी पास्ड फ्रॉम द बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। यहाँ तक की बात क्लियर है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? अगर टू और मोर देन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस, देन amount of substance deposit will directly proportional to their equivalent masses। इसका मतलब जैसे first cell में जो copper का amount deposit होगा वो किसके proportional होगा? copper के equivalent mass के। second cell में weight of silver deposit किसके proportional होगा? equivalent mass of silver के। हमें यही proof करना है। कैसे? तो नाउ लेट्स स्टार्ट। उससे पहले जरा हम लॉ देख लेते हैं। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मैंने अभी आपको बताया, जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से विच आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, जो सीरीज में कनेक्टेड है, देन मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जो मास डिपॉजिट होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दे आर इक्विवेलेंट मासेस, वो इक्विवेलेंट मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द फैराडे सेकेंड लॉ। नाउ वी विल सी हाउ इट इज पॉसिबल। बात करते हैं फर्स्ट सेल की। अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो आयंस का डिसोसिएशन होने पर आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की साइड मूव करते हैं। हमने बात किया पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में जो आयंस बनते हैं, दीज आर Cu2 पॉजिटिव आयन, सल्फेट आयन, वाटर तो है ही साथ की साथ, और साथ में कॉपर इलेक्ट्रोड भी है, राइट। अब इनमें से एट कैथोड, हम इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, आई विल टेल यू शॉर्टली। कैथोड पर मूव करता है Cu++ एंड वाटर, जिसमें से Cu++ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। इट मींस Cu++ गेट रिड्यूस टू कॉपर। और अगर मैं बात करती हूँ एट एनोड, एनोड पर मूव करते हैं सल्फेट आयंस, वाटर एंड साथ के साथ कॉपर इलेक्ट्रोड भी है। इट मींस सल्फेट का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, हम ये बात भी पहले कर चुके हैं, इट इज़ इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और आउट ऑफ वाटर एंड Cu इलेक्ट्रोड, कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। इट मीन्स Cu विल ऑक्सीडाइज टू Cu++
बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ होता है, हमें ये प्रूफ होता है कि एनोड से Cu++ आयन इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे और इलेक्ट्रोलाइट से ये Cu++ आयन रिड्यूस होकर के कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। दैट्स क्लियर। क्या हुआ, एनोड पर Cu मतलब इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हुआ, किस में हुआ, कॉपर आयंस में। दीज कॉपर आयंस विल मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होगा, कॉपर आयंस का क्या होना है, रिडक्शन, क्योंकि कॉपर और वाटर, कॉपर आयंस एंड वाटर में से कॉपर आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। और हमें पता है जिस भी सब्सटेंस, जिस भी स्पीशीज का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसी का रिडक्शन होगा। तो आउट ऑफ दीज टू, कॉपर प्लस प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है इस इलेक्ट्रोड पर। इट मींस अब हमें क्या देखना है, वेट ऑफ कॉपर एट दिस इलेक्ट्रोड, राइट। अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड सेल की, तो सेकेंड सेल में क्या हुआ, AgNO3 बाय सिल्वर इलेक्ट्रोड। यहाँ पर कौन कौन से आयन्स हैं, यहाँ पर आएंगे सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, वाटर ऑटोमेटिकली है ही, और साथ में सिल्वर इलेक्ट्रोड। नाउ व्हाट विल हैपन एट एनोड, एनोड पर क्या क्या होगा, नाइट्रेट आयन होगा, वाटर होगा और साथ के साथ सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा। अगर इन सब के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स देखे जाएं तो सिल्वर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, जिसकी वजह से सिल्वर विल ऑक्सीडाइज टू Ag पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस व्हाट, अब यहाँ पर देखें इन सेकंड सेल क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड पर मतलब ये जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है इसका ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होने की वजह से ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिल्वर आयन मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में बाय दिस इक्वेशन। अब एट कैथोड क्या होना चाहिए, एट कैथोड आयन्स आर Ag पॉजिटिव ऑलरेडी और साथ के साथ वाटर भी है। आउट ऑफ दीज Ag पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई। अब जब Ag पॉजिटिव का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो इट विल रिड्यूस बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्वर मेटल लाइक दिस। अब ये क्या होगा, सिल्वर आयन इन कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। इट मींस हमें एनोड पर तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है इन दिस केस, इस केस में हमें एनोड पर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, बट पहले सेल में कैथोड पर बना कॉपर और दूसरे सेल में कैथोड पर बना सिल्वर। अब इन दोनों के मास, इनके इक्विवेलेंट मासेस के इक्वल कैसे होंगे, हम ये चेक करते हैं। नाउ लुक एट दिस, हम फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं W इज इक्वल्स टू EIT ओवर F, राइट। ये हमें पता है, जहाँ पर E होता है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, हम ये फॉर्मूला भी जानते हैं W इज इक्वल्स टू MIT ओवर NF, बट मास ओवर N फैक्टर That equals to equivalent mass. What is N factor? In first case, N factor is 2. It means number of electrons that is required for the reduction reaction, or that these are lost during the oxidation reactions. Aur yahan par in case of second cell, N factor is 1, because in this case during reduction one electron is gained and during oxidation one electron is lost. Is bare mein bhi hum बहुत अच्छे से जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक मास ओवर एन फैक्टर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। इट मीन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है W इक्वल्स टू EIT ओवर F। नाउ लुक एट दिस, फॉर CuSO4 सॉल्यूशन, अगर मैं बात करती हूँ पहले सेल की, तो इस सेल के लिए कॉपर का मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ कॉपर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर IT ओवर F। और अगर मैं बात करती हूँ फॉर AgNO3 सॉल्यूशन,
weight of silver deposit will be equals to equivalent mass of silver IT over F. अगर मैं ये first एंड second formulas को divide कर देती हूँ तो what comes out W मतलब mass of Cu over mass of silver equals to equivalent mass of Cu into IT over F over equivalent mass of silver into IT over F, जिसमें से I and T हमें पता है these are the constant values. ये constant values हम पहले से ही बता चुके हैं, इस बारे में बात कर चुके हैं, जब cell series में connected हैं तो same quantity of electricity and same time के लिए pass होती है दोनों ही electrolytic solution से. It means I and T both are constant. It means they will cancelled out and I further cancelled out. क्या आता है निकल के WCU over WAG equals to equivalent mass of CU over equivalent mass of AG. हमने इसी फॉर्मूला के लिए बात की थी, इसी के बारे में जाना था. जब सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं टू और मोर सेल्स से जो कि कनेक्टेड है एक सीरीज में, तब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होगा. तो इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पर प्रूफ किया है दैट मास ऑफ कॉपर विल बी प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ सिल्वर विल बी प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर. ये था सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. Thank you.